उत्तराखंड के उधम सिंह नगर खटीमा तराई पूर्वी उपवन प्रभाग की सीमा से लगे हुए सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते हुए मानव वन्य जीव संघर्ष के मामलों को रोकने व जंगली हाथियों के झुंडों द्वारा ग्रामीणों की फसल को पहुंचाए जा रहे नुकसान को रोकने के लिए वन विभाग अब मधुमक्खियों की सहायता ले रहा है। तराई पूर्वी उपवन प्रभाग की प्रभागीय अधिकारी संचिता वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग के द्वारा वन क्षेत्र से लगे सीमांत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों को सुरक्षित रखने हेतु प्राकृतिक सुरक्षा ढाल के तौर पर बिहाई फेंसिंग का उपयोग किया जाना शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत सीमांत क्षेत्रों में की गई तार बाढ़ के खंभों पर मधुमक्खी के छते स्थापित किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत विभाग के द्वारा अंजनिया एवं नौगावानाथ ग्रामीण क्षेत्र से लगी वन सीमा पर बी हाई फेंसिंग की गई है। प्राकृतिक तौर पर ज्यादातर वन प्राणियों के साथ हाथी जैसे बड़े वन्य पशु भी मधुमक्खियों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली तीव्र ध्वनि होते हैं। ऐसे में वह सीमा क्षेत्र में स्थापित की गई फेंसिंग को पार करने हेतु हिलाने की स्थिति में मधुमक्खियों के तीव्र हमले का शिकार हो वापस जंगल में भाग जाते हैं। इस कवायद के पीछे वन विभाग का मकसद एक ओर जहां मानव वन्य जीव संघर्ष के मामलों में कमी लाना है, तो वहीं स्थानीय ग्रामीणों को मधुमक्खी पालन से प्राप्त होने वाले रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। साथ ही वन विभाग के द्वारा सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को जंगल से दूर रहने की हिदायत देने हेतु मुनादी भी लगातार कार्यवाही की जा रही है। वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं हमारे क्षेत्र की ओर को इस बीच थोड़ा ज़्यादा हो गई हैं, तो उनको रोकने के लिए और उनका बढ़िया तरीके से निदान करने के लिए हम विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें से एक बीहाइव फेंसिंग भी एक इसी प्रकार का हमारा इनोवेटिव प्रयास है कि हम जो हमारे गांव हैं वन क्षेत्रों से लगे लगे वहाँ पर हम बीहाइव फेंसिंग लगाकर एक अल्टरनेट एक स्वरोजगार का ग्रामवासियों को माध्यम भी उपलब्ध करा सकें, और साथ साथ हाथियों के आने से जो भी फसल इत्यादि का नुकसान या जो भी जनहानि होती है उससे हम बच पाएँ। साथ साथ हम मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए हमारे जो वन क्षेत्र हैं तो उनमें लगातार मुनादी करा रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं कि आप लोग अकारण या किसी अकेले किसी भी तरीके से वन क्षेत्रों की ओर को ना जाएं, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि से जनधन की हानि से बचा जा सके। और हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।